ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में रामलीला की तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। इस वर्ष रामलीला कमेटी ही नहीं बल्कि लोग भी बेहद उत्साहित हैं। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है अशोक विहार फेस टू की आदर्श रामलीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह में। यहां अशोक विहार की तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि हर सियासी दल के नेता दिल से शामिल हुए। देखें हमारी ये रिपोर्ट। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय दो घर को गुलशन सा। दिल्ली में रामलीलाओं की तैयारियां इस वर्ष बहुत ही उत्साह के साथ चल रही हैं। वजह केवल कोरोना के कहर का कम होना ही नहीं बल्कि हिंदुत्व को लेकर एक जागरूकता का लहर का भी एहसास हो रहा है। अशोक विहार के आदर्श रामलीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह में भी ऐसा ही नजर आया। अशोक विहार आदर्श रामलीला कमेटी ने रविवार को रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन बहुत उत्साह व विधि विधान के साथ आयोजित किया। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, आदर्श रामलीला कमेटी यह इच्छा हर वर्ष रामलीला मंचन के मंच से भी व्यक्त करती रही है। और अब जब श्री राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तो ये मौका कमेटी के लिए बेहद खास है और इस पर खास निर्णय भी कमेटी ने लिए। हर व्यक्ति जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमें पहले कन्फ्यूजन था कि रामलीला कलेक्शन का क्या होगा, पर अब लोगों की लाइन लगी हुई है। हमने आज मंच से पैसा लेने को मना कर दिया। इस साल के लिए हमारा पूरा पैसा रामलीला कमेटी के पास आ चुका है। लोगों में अति उत्साह है, जैसे राम मंदिर बन रहा है। 2024 में इस रामलीला के 50 वर्ष हो जाएंगे, राम मंदिर भी चालू हो जाएगा। हमने इस बार घोषणा की है जो 2024 की रामलीला होगी उसकी पहली मीटिंग जब अयोध्या में मंदिर चालू होगा वहीं पर करेंगे। भूमि पूजन समारोह में अशोक विहार के सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख, समाज सेवी, कारोबारी सहित 1000 लोग शामिल हुए। मंच से कमेटी के महामंत्री अनिल यादव जिन लोगों को स्वागत और सम्मान के लिए नाम पुकार रहे थे उनमें सभी सियासी दलों के नेता जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल थे। आदेश गुप्ता ने स्वर्गीय मांगेराम गर्ग को याद करते हुए कहा, धर्म के नाम में वो हमेशा आगे रहते थे और अब उनके पुत्र सतीश गर्ग और अशोक गर्ग भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर धार्मिक कामों के लिए अग्रसर रहने वाले अनेकानेक दिल्ली के लिए एक ऐसे काम किए जो सालों साल लोगों को याद रहेंगे, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय मांगेराम जी ने की थी, बाबू जी ने की थी। सतीश जी हैं, अशोक जी हैं, परिवार के नाते उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज और धर्म के काम को आगे बढ़ाया जाए। राम भक्तों में उत्साह ऐसा है कि कमेटी को दान की कभी कमी आड़े नहीं आने दी। ऐसा ही अशोक विहार रामलीला कमेटी का भी मानना है। रामलीला मंच में अभी 1 महीना शेष है लेकिन दान दाताओं ने पहले ही खर्च का लक्ष्य पूरा कर लिया। व्यापारी इस मौके में खास दिखाई दिए। समाज का इतना सहयोग मिलेगा, इस तरह से व्यापारी हाथों हाथ लेगा, उसका मन ही नहीं लगता व्यापारी का धर्म कर्म के काम के बगैर। सरकार की तरफ इधर उधर देख सकता है लेकिन मंदिर बने, धर्मशाला बने, रामलीला हो, कोरोना के टाइम में आपातकाल में दुकानें अपनी बंद लेकिन बांट रहे खाना, तो ये व्यापारी का काम है। उस तरीके से सदा लगातार रहता है और रामलीला के अंदर इस बार का जो उनका सहयोग रहा है अतुलनीय है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज प्रभु की दोबारा लीला ने कोई उसमें ही कोई अच्छाई होगी। आज लीला अपनी प्रभु ने दिखाई है, 2 साल बाद रास्ता खोला है और रामलीलाओं का आयोजन फिर से जोर शोर से शुरू हो गया। भूमि पूजन समारोह में कलाकारों को भी अनुबंध किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी।
रामलीला मंचन से ठीक पहले डांडिया नाइट इस रामलीला कमेटी का खास आकर्षण होती है। रामलीला के निदेशक नितिन बत्रा ने कहा कि इस वर्ष मंचन में भी बेहद नयापन होता है, तो डांडिया नाइट भी बेहद खास होगी। क्या खास होगी इस पर दिल्ली दर्पण टीवी से जानकारी साझा की। डांडिया नाइट बहुत ही स्पेशल होने वाली है, 25 सितंबर को है। रामलीला शुरू होने से पहले, नवरात्र से एक दिन पहले, हर बार कुछ ना कुछ नयापन हम लोग दिखाते हैं रामलीला में, और इस बार भी कुछ ना कुछ नयापन दिखाएंगे। जैसे स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा कुछ सीन्स हमने ऐड करे हैं, जैसे वेदवती का सीन है, जैसे शुरू में किस प्रकार से अत्याचार हुआ इस दुनिया पे, समाज पे, और भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसे कुछ सीनों को ऐड करा है। आदर्श रामलीला कमेटी से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बड़े संख्या में बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। सभी का मंच पर स्वागत किया गया। इन लोगों की संख्या और इनके परस्पर स्नेह सौहार्द ने आदर्श रामलीला कमेटी को एक आदर्श रामलीला बना दिया है। कैमरामैन कमल के साथ काव्या बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी।